सब्सक्राइब करें पाक बाइकर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पाक बाइकर्स चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको होंडा सीजी 125 की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, होंडा सीजी 125 पहले बताओ 1976 में जापान में बनाया गया था। इस बाइक को शुरू ही से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इस बाइक ने जापान के अलावा तुर्की, ब्राज़ील और यूरोप में बहुत मकबूलियत पाई। होंडा सीजी 125 अपनी पिक और साउंड की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था, जैसे कि इसके साउंड को शेर की दांत की आवाज़ के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर इस बाइक की स्पेक्स की बात की जाए तो इसमें 124 cc सिंगल सिलेंडर इंजन होता है। अगर इसके फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इसके फ्यूल टैंक में 12 लीटर तक का पेट्रोल आ सकता है। ये बाइक 35 to 45 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देने की सलाहियत रखता है। अगर इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो इसमें 105 to 115 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है। लेकिन 2008 में ये बाइक होंडा कंपनी की तरफ से बंद कर दिया गया था। उसकी असल वजह यह थी कि इसमें बहुत सी चेंजेस रिक्वायर्ड थी। इस बाइक के बंद होने के बावजूद ये बाइक पाकिस्तान में एटलीस्ट होंडा लिमिटेड के ज़रिए अभी भी बनाया जा रहा है। ये बाइक अभी भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मशहूर बाइक है, जैसे कि आपको पता ही है। इस बाइक में कुछ ख़ास चीज़ तो नहीं, लेकिन ये बाइक अपने साउंड और अपनी पिक की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस बाइक की मार्केटिंग वैल्यू सब बाइक से ज़्यादा है और इस किंग ऑफ द बाइक भी माना जाता है। हालांकि यामाहा वाइडियाज जैसे बाइक्स भी इस बाइक को शिकस्त नहीं दे सके। इस बाइक की मार्केटिंग वैल्यू वैसे ही है जैसे पहले थी। तो फ्रेंड्स, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे ज़रूर कमेंट करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।